लयबद्ध व्यायाम, स्वस्थ और शतायु जीवन के लिए व्यायाम। ब्लू जोन में जो लोग रहते हैं उनका अध्ययन करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि वे लोग भरपूर व्यायाम भले ही न करते हों लेकिन भरपूर हलचल जरूर करते हैं। हम जब ओगिमी गए तो हमें एक बात पक्की पता चल गई कि वहाँ के 80 और 90 साल के लोग भी काफ़ी कार्यक्षम हैं। वे घर में बैठकर खिड़की से झांकते रहने और पेपर पढ़ने जैसे कामों में अपना समय नहीं बिताते। ओगिमी में रहने वाले लोग सुबह जल्दी उठते हैं, भरपूर चलते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं और गाना गाते रहते हैं। सुबह के नाश्ते के बाद या कई बार नाश्ता करने से पहले भी वे लोग बगीचे में काम करने जाते हैं। वे लोग कभी भी जिम में जाकर व्यायाम नहीं करते हैं लेकिन सदा कुछ ना कुछ हलचल करते रहना मानो उनकी दिनचर्या का अंग सा होता है। अगर हम शहर में रहते हैं तो कुदरती और शांत जगह पर टहलने जाना शायद हमारे लिए कठिन होगा, लेकिन अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम हल्के फुल्के व्यायाम तो कर ही सकते हैं। आज पश्चिमी जगत में मन, शरीर और बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए पूरब में सदियों से प्रचलित व्यायाम पद्धतियां प्रचलित हो रही हैं। पूरब के देशों में इन व्यायाम पद्धतियों को दिनचर्या का और संस्कृति का अंग माना जाता है। योग का उद्गम भारत में हुआ और आज जापान और चीन के किंगोंग और ताइची में इसका बहुत सारा प्रचार हो गया है। इसकी मदद से मनुष्य को शरीर और मन स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। जाहिर सी बात है कि इसकी मदद से हम जीवन की घटनाओं का ज्यादा आनंद, ताकत और जोश के साथ सामना कर सकते हैं। सदा जवान रहने के लिए योग को सटीक तरीका माना गया है और विज्ञान ने भी इसे मान्य किया है। इसकी वजह से शरीर को कई सारे असाधारण फायदे होते हैं। विशेषकर बुजुर्ग लोगों के लिए योग सबसे अच्छा व्यायाम है। ताइची का अभ्यास करने वाले लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस और पार्किंसंस जैसी बीमारियां कम पाई जाती हैं। उनका शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त होता है और खून का बहाव भी सही मात्रा में होता है। उनका मानसिक विकास भी बहुत अच्छा हुआ होता है और वे उसका इस्तेमाल तनाव और निराशा के खिलाफ ढाल की तरह करते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ जिम जाकर पसीना बहाएं या मैराथन की रेस लगाएं। जापान में लंबी आयु के लोगों ने यह साबित किया है कि आप हमेशा हलचल करके भी लंबी आयु हासिल कर सकते हैं। जापान और चीन की संस्कृति में बताए गए किसी भी व्यायाम प्रकार को हम प्रयोग में लाएंगे तो भी हमें बड़ा फायदा होगा। इन व्यायामों को सबसे बड़ा फायदा यही है कि इनकी जानकारी बड़ी ही आसान भाषा में और विस्तार से दी गई है। इस प्रकार का अनुशासित और निरंतरता से व्यायाम फ्लो भी अच्छा होता है। अगर आपको इनमें से कोई व्यायाम पसंद ना आए तो आप अपनी पसंद का व्यायाम प्रकार चुन सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। अगले कुछ पन्नों में हम स्वस्थ और लंबी आयु के लिए पोषक पद्धति देखने वाले हैं, लेकिन शुरुआत में हम एक छोटे से जापानी व्यायाम प्रकार से करते हैं। रेडियो ताइसो। सुबह किया जाने वाला यह व्यायाम प्रकार जापान में दूसरे महायुद्ध के बाद किया जाने लगा। उनके नाम में जो रेडियो शब्द है वह इस बात को प्रतीक है कि उस वक्त इस व्यायाम की सूचनाएं रेडियो से दी जाती थी। आज लोग टीवी की मदद से और इंटरनेट के द्वारा इस व्यायाम को करते हैं। रेडियो ताइसो का मुख्य उद्देश्य होता है कि उपस्थित लोगों के अंदर जोश और एकता की भावना का निर्माण करना। ये व्यायाम पाठशालाओं में पढ़ाई शुरू होने से पहले और कंपनियों में काम शुरू होने से पहले करवाए जाते हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर जापान में 30% लोग अपने दिन की शुरुआत रेडियो ताइसो व्यायाम से करते हैं। ओगिमी में हमें पता चला कि जिन लोगों ने हमसे बात की उनमें से 100% लोग इससे दिन की शुरुआत करते हैं। इतना ही नहीं, हमने जिन अस्पतालों को भेंट दी वहां पर भी लोग सुबह 5 मिनट यही व्यायाम करते हैं। कुछ लोग तो कुर्सी से हिल भी नहीं पाते थे लेकिन वहां पर बैठे बैठे ही वे व्यायाम में सम्मिलित होते थे। हम भी उनमें शामिल हो गए और हमें महसूस हुआ कि हमारा बाकी दिन काफ़ी जोश के साथ गुजरा। इस व्यायाम को सभी लोग मिलकर करते हैं जिसकी वजह से इसे बड़े से मैदान में या हॉल में कराया जाता है। इसमें सूचनाएं देने के लिए माइक और लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल करते हैं। आप कौन से व्यायाम करते हैं उससे यह तय होता है कि व्यायाम का समय कितना होगा। शरीर का तनाव हटा देना और फिर लचीलापन देना इस व्यायाम का मुख्य उद्देश्य होता है। सबसे आसान रेडियो ताइसो व्यायाम प्रकार होता है और अपनी उंगलियों को ऊपर खींचना और गोलाकार पद्धति से उन्हें नीचे लाना। यह एक हल्का फुल्का व्यायाम प्रकार होता है। शरीर के सारे अंगों और पेशियों में लचीलापन लाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। हो सकता है कि यह काफ़ी आसान लगे लेकिन आज के इस आधुनिक जग में हम बिना जरूरत के तो अपना हाथ कान के ऊपर भी नहीं लेकर जाते हैं।
जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, किताब पढ़ते हैं या खाना बनाते हैं, तो हमारा हाथ नीचे ही रहता है। जब हम अलमारी से या ऊपर रखी हुई किसी चीज़ को निकालने जाते हैं, तभी हमारा हाथ ऊपर जाता है। पुराने ज़माने में लोग पेड़ से फल तोड़कर खाते थे और उनको दिन भर में कई बार हाथ ऊपर उठाना पड़ता था। रेडियो ताइसो हमें ऐसा करने में मदद करता है। योग। भारत, जापान और विश्व में करीबन हर जगह पर योग काफ़ी मशहूर है। इसे हर कोई कर सकता है। इसमें आने वाले कुछ प्रकार तो गर्भवती महिलाएं और विकलांग भी कर सकते हैं। योग की शुरुआत भारत में हजारों साल पहले हुई थी। इसका इस्तेमाल शरीर और मन को एक करने के लिए किया जाता है। संस्कृत के योग शब्द का मतलब होता है दो चीज़ों का एकीकरण करना, दो चीज़ों को जोड़ना। योग हमारे मन को और शरीर को जोड़ता है, विश्व के साथ जोड़ने वाली जीवन शैली जीने में मदद करता है। योग के मुख्य उद्देश्य, हमारे मूल धर्म की स्वभाव की पहचान होना, शारीरिक और मानसिक शुद्धि, हमें चैतन्य के नज़दीक लेकर जाना। योग के प्रकार, हालांकि सभी प्रकारों का मकसद एक ही होता है, फिर भी विभिन्न संस्कृतियों और रीतियों की वजह से उसके भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। जिन लोगों ने योग का प्रचार किया, उन्होंने उस वक्त के हिसाब से उसमें बदलाव किए। ज्ञान योग, अनुशासन और मानसिक विकास के लिए किया जाने वाला योग। इसमें ज्ञान मार्ग से खोज की जाती है। कर्मयोग, हमारे और समाज के लिए उपयुक्त कृतियों पर जोर देना। भक्ति योग, चैतन्य को समर्पित और भक्ति भाव से के साथ किया जाने वाला योग। मंत्र योग, मंत्रोच्चारों के मार्ग से शांति और संतुष्टि पाने का प्रकार। कुंडलिनी योग, शरीर में जो विभिन्न चीजें होती हैं उन्हें इकट्ठा करके मानसिक विकास हासिल करना। राजयोग, इसे राजमार्ग भी कहते हैं, सभी मिलकर इकट्ठा फायदे की दिशा में यात्रा करते हैं। हठ योग, जापान में और पश्चिमी जगत में यह प्रकार काफी मशहूर है। विभिन्न आसनों की मदद से अपेक्षित स्थिति तक पहुंचा जाता है। सूर्य नमस्कार करने का तरीका। सूर्य नमस्कार हठ योग की सबसे विशिष्ट क्रिया है। इसमें आपको 12 कदम पूरे करने होते हैं। पहला, पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर दोनों हाथों को कंधे के समानांतर उठाएं, दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं, हथेलियों के पृष्ठ भाग को एक दूसरे से चिपके रखें, फिर उन्हें उसी स्थिति में सामने की ओर लाएं, तत्पश्चात नीचे की ओर गोल घुमाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। दूसरा, अब गहरी श्वास भरें और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। अब हाथों को कमर से पीछे की ओर झुकाते हुए भुजाओं और गर्दन को भी पीछे की ओर झुकाएं। तीसरा, इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाएं और हाथों से जमीन का स्पर्श करें। अब कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें और घुटनों को एकदम सीधा रखें। चौथा, इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर रखें, श्वास लेते हुए दाएं पैर की ओर पीछे की ओर ले जाएं। अब गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। अब इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। पांचवा, इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। अब गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। छठा, इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास लें और शरीर को पृथ्वी के समानांतर रखें, जैसे आप दंडवत प्रणाम के समय होते हैं, ठीक उसी प्रकार शरीर को पृथ्वी के समानांतर रखें। आप घुटने, छाती और थोड़ी पृथ्वी पर लगा दें, छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं, अब धीरे धीरे श्वास छोड़ें। सातवां, इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास को लेते हुए छाती को आगे की ओर खींचें, हाथों को सीधा रखें, हथेलियां पृथ्वी पर लगी हों। अब गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं, घुटने पृथ्वी का स्पर्श करें और पैरों के पंजे खड़े रहें। आठवां, यह स्थिति पांचवी स्थिति के समान है। इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। अब गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठ में लगाने की कोशिश करें। नौवां, यह स्थिति चौथी स्थिति के समान है। इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर टिकाएं, श्वास को लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर लें, अब गर्दन ऊपर उठाएं। अब इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। दसवां, यह स्थिति तीसरी स्थिति के समान है। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें,
हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाएं और हाथों से पृथ्वी को स्पर्श करें। अब कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें और घुटनों को सीधा रखें। 11वां, यह स्थिति दूसरी स्थिति के समान है। इसमें धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। 12, यह स्थिति पहली स्थिति के समान रहेगी। ताई ची उवान नाम से जाना जाने वाला ताई ची व्यायाम जापान में सैकड़ों सालों से प्रचलित है। बुद्धिज्म और कन्फ्यूजनिज्म में इसका जिक्र है और यह चीनी मार्शल आर्ट का एक प्रकार है। यह जापान में भी काफी मशहूर है। चीन की संस्कृति के अनुसार इसकी खोज ताओइस्ट गुरु और मार्शल आर्ट के अभ्यासक जोंग शेनफेंग ने की थी। 19वीं सदी में यांग लुचान ने इसका जग भर में प्रसार किया। ताई ची की मूल शुरुआत नेइजिया मतलब अंतर्गत मार्शल आर्ट के लिए की गई। इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत विकास के लिए किया जाता है। चपलता का इस्तेमाल करके कम ऊर्जा में अपने प्रतियोगी को कैसे हरा सकते हैं, यह बात इसमें सिखाई जाती है। इसमें खुद हमला करने की बजाय खुद को बचाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ताई ची माने शरीर और मन का उपचार। इसका उपयोग आंतरिक शांति और संतुष्टि के लिए किया जाता है। देश के लोगों को स्वस्थ और सशक्त रखने के लिए चीन सरकार ने खुद इस व्यायाम को लोगों तक पहुंचाया। ताई ची के प्रकार। ताई ची सिखाने वाली कई शालाएं हैं। उनके कई अलग अलग प्रकार भी हैं, जिनमें से कुछ यहाँ दिए हुए हैं। चेन स्टाइल, धीरे और एकदम धड़ा के बाद हलचल का संगम। योंग स्टाइल, सबसे ज्यादा मशहूर इस प्रकार में धीमी और द्रव पदार्थ जैसी हलचल की जाती है। वू स्टाइल, छोटी छोटी और सजगता से की गई हलचल। हाउस स्टाइल, अपने अतरंग में झांककर सूक्ष्म हलचल करना। यह प्रकार विश्व में ही नहीं बल्कि चीन में भी काफी कम इस्तेमाल होता है। हालांकि ये सभी स्टाइल्स एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी इनके पीछे का उद्देश्य समान है, जैसे कि स्थिरता की मदद से अपनी हलचल को नियंत्रित करना, शक्ति पर कुशलता की मदद से जीत हासिल करना, दूसरे क्रमांक की हलचल करके पहले स्थान पर पहुंचना, खुद को और प्रतियोगियों को जानना। ताई ची के 10 मुख्य सिद्धांत। मास्टर यांग चेंगुफ ने ताई ची के निम्नलिखित 10 मूलभूत सिद्धांत बताए हैं। पहला, सीधा खड़े रहकर अपना पूरा लक्ष्य अपने माथे पर केंद्रित करना। दूसरा, पीठ के स्नायुओं को तनाव देना और बाद में शिथिल करना। 3, कमर रिलैक्स करके उसके माध्यम से शरीर की बाकी हलचल को नियंत्रित करना। 4, हमारे शरीर का वजन कैसे विभाजित हुआ है यह जानकर जड़ता और हल्केपन के बीच के अंतर को पहचानना। 5, हाथों की हलचल आसानी से करके शरीर में जो ऊर्जा है उसका प्रवाह अच्छा करना। 6, शरीर की शक्ति से ज्यादा महत्व मन की चंचलता चपलता को देना। 7, शरीर के ऊपरी और निचले अंग में लयबद्धता लाना। 8, मन शरीर और मांस से एक रूप होना। 9, हलचल नियंत्रित करने की बजाय लचीलापन और लयबद्धता को महत्व देना। 10, हर पल में जो शांति है स्थिरता है उसको खोजना। शरीर कार्यरत होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। बादलों का अनुकरण। ताई ची की सबसे प्रसिद्ध हलचल है बादलों की तरह हाथों को हिलाना। उसे नीचे दी हुई पद्धति से किया जाता है। दोनों हाथ आगे ले जाएं और तलवों को नीचे करें। आप जैसे किसी पेड़ के तने को आलिंगन दे रहे हों ऐसी कृति करें। उस वक्त आपके तलवे बाहरी बाजू को रखें। बायां हाथ ऊपर की तरफ से मध्य की तरफ और दायां हाथ नीचे से मध्य तक हिलाएं। एक गेंद के आकार में अपने शरीर के सामने हाथ हिलाएं। बाएं हथेली चेहरे के सामने ले जाएं। हाथों के मूवमेंट को देखते हुए बाएं पैर पर शरीर का पूरा वजन देकर कमर को मोड़ें। अपने बाएं हाथ को कमर पर और दाहिने हाथ को चेहरे के सामने लाएं। अपना वजन दाहिने पैर पर रखें। दाहिने ओर मुड़ें और अपने दाहिने हाथ को देखते हुए इसे ऊपर उठाएं। अब हाथों की मूवमेंट को लचीलेपन के साथ करें। हाथ को फिर से लंबा करें और धीरे धीरे इसे पहली स्थिति में वापस लाएं।
कीगोंग ची कुंग नाम से जाने जाने वाला यह व्यायाम प्रकार दो शब्दों से बना हुआ है, जीवन की चेतना ऊर्जा और गांग काम। इसका अर्थ है ऐसा काम करना जिससे आप चैतन्य के साथ जुड़ जाएं। आज की इस आधुनिक कार्य पद्धति में हम मन और शरीर को जोड़कर उसकी मदद से अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने की क्रिया कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में यह प्रकार मार्शल आर्ट में इस्तेमाल होने लगा और 1930 से इसका इस्तेमाल अस्पतालों में भी होने लगा। उसके बाद चीनी सरकार ने ताई ची की तरह इस व्यायाम प्रकार को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए खास प्रयास किए। क्विकगांग में मुख्यतः सांस लेने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। जब हम बैठे हुए हों या खड़े हों या शरीर की हर अवस्था में अपनी सांस पर काम करके उसे स्थिरता में रखा जाता है। क्विकगांग में जो भी प्रकार हैं उन सभी को उद्देश्य ऊर्जा को बढ़ाना है। हालांकि इसके अंदर जो हलचल है वह काफी धीमी होती है, लेकिन उसमें काफी संयमित हलचल होती है। क्विकगांग के फायदे। कई सारे सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि ताई ची और योग की तरह क्विकगांग के भी कई सारे प्रकार हैं। मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ क्विकगांग सैन फ्रांसिस्को में स्थित क्विकगांग इंस्टीट्यूट ऑफ शास्त्रार्थ डॉक्टर केनेथ एम सांसियर ने अपने एक लेख में इसके कई फायदे लिखे हैं, जैसे कि मस्तिष्क में बनी तरंगों का विकास होता है, हार्मोन्स में सकारात्मक बदलाव होते हैं, हृदय विकार से आने वाली मौत की संभावना कम होती है, रक्तचाप की बीमारियां कम होती हैं, हड्डियों में तंदुरुस्ती आती है, खून का बहाव अच्छे तरीके से होता है, बुढ़ापे की वजह से होने वाली बीमारियों की संख्या कम होती है, शरीर के अंग काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं, मस्तिष्क को अच्छे तरीके से खून की मात्रा मिलती है, मन और मस्तिष्क का तालमेल अच्छा होता है, हृदय का कार्य सही तरीके से चलता है, कैंसर का उपचार लेने वाले लोगों में जो दुष्परिणाम होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। इस व्यायाम की वजह से हमारा शरीर सुडौल तो होता ही है, साथ ही लंबी आयु भी मिलती है। क्विकगांग करने की पद्धति। क्विकगांग का व्यायाम करने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा भरी हुई है। शरीर में स्थित इस ऊर्जा का सही तरीके से नियोजन कैसे करना है यह हमें पता होना चाहिए। त्याउशेन, शरीर का नियोजन। सही आसन में बैठना, जमीन से जुड़े हुए होना अति आवश्यक है। त्याउशी, सांस का नियोजन। सांस धीमी गति से लेते हुए संयमित और शांत करना। त्याउ हसीन, मन का नियोजन। यह स्टेप बहुत ही कठिन है क्योंकि इसमें मन को विचार रहित रखना पड़ता है। त्याउची, ऊर्जा का नियोजन। पहले तीन घटकों को आप उचित समन्वय करके ऊर्जा को सही मात्रा में नियंत्रित करना। त्याउशेन, चेतना का विनियमन। द एसेंस ऑफ ताईजी क्विकगांग में यांग ज्विंग मिंग कहते हैं कि चेतना शक्ति भी है और नींव। इस प्रकार से पूरा शरीर इकट्ठा होकर एक ही दिशा में कार्यरत होता है और एक ही लक्ष्य के लिए काम करता है। क्विकगांग के पांच सिद्धांत। क्विकगांग में पांच सिद्धांतों पर काम किया जाता है, पृथ्वी, जल, लकड़ी, धातु और अग्नि। इस व्यायाम के माध्यम से पांच प्रकार की ऊर्जा संतुलित होती है जिससे शरीर के अंग और मस्तिष्क के कार्य विकसित होते हैं। यह व्यायाम कई तरीकों से किया जाता है। हम क्विकगांग इंस्टीट्यूट इन बार्सिलोना के मारिया इसाबेल गार्सिया मैनरिल की पद्धति देखेंगे। पृथ्वी, अपने पैरों में कंधे की चौड़ाई जितना अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर पैरों में जो अंतर है उसे थोड़ा बढ़ाएं ताकि आप आसानी से खड़े हो सकें। अपने कंधों को थोड़ा झुकाएं और अपने शरीर को ढीला और बाहों को शरीर के बाजू में ढीला छोड़ दें। सांस लेते हुए अपने हाथों को अपने कंधों तक उठाएं, उस समय हथेलियों को नीचे की तरफ रखें। जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ें और अपनी बाहों को पेट तक नीचे लाएं। उस समय हथेलियों को अंदर की ओर करें। कुछ पल के लिए इस अवस्था में रहें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जल, पृथ्वी की अवस्था से शुरुआत करें। घुटनों पर झुकें और सीना सीधा करके नीचे बैठें। उच्च स्थिति, टेलबोन को सीधा रखते हुए बैठें। जब आप फिर से सांस लें तो पृथ्वी पर वापस आएं। इस क्रिया को तीन बार करें। लकड़ी, पृथ्वी की अवस्था से शुरुआत करें।
सांस लेते हुए ऊपर हाथ ऊपर और फिर एक तरफ ले जाएं और एक गोलाकार आकार बनाएं। ऐसा करते करते हाथों को गर्दन तक लाएं, हाथ और कोहनियों को एक लाइन में लाएं। इसके बाद सांस छोड़ते हुए उसी क्रिया को उल्टा करें, पहले स्थान पर आ जाएं। यही क्रिया 3 बार करें। धातु, पृथ्वी की अवस्था से शुरुआत करें और अपने हाथों को अपनी छाती तक उठाएं। उंगलियां एक दूसरे से थोड़ा अलग और ऊपर की ओर इशारा करते हुए हाथों को एक दूसरे से लगभग 4 इंच लंबा रखें। सांस लेते समय हाथ एक दूसरे से अलग करें और उनमें कंधों की चौड़ाई जितना अंतर रखें। सांस छोड़ते समय फिर से दूसरे पॉइंट में जो बताया गया है वही करें। इस गतिविधि को 3 बार करें। जब आप अपने हाथों को एक दूसरे के करीब लाते हैं और दूर ले जाते हैं, तब उनमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का अनुभव लें। आग, पृथ्वी आसन से शुरुआत करें। सांस लेते हुए हथेलियों को एक दूसरे की ओर रखते हुए दोनों हाथों के बीच कुछ दूरी रखकर उन्हें हृदय तक ऊपर लेकर आएं। अपने हृदय की ऊर्जा को जानने के लिए अपना हाथ घुमाएं, कमर से थोड़ा बाएं मुड़े और अपने हाथों को जमीन के समानांतर रखें और हलचल करें। दोनों हथेलियों को एक दूसरे की तरफ रखें और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर ले जाएं। ऊपर का हाथ कंधों तक ले जाएं और नीचे का हाथ कमर तक ले जाएं। अब अपने हाथों को जमीन के समानांतर रखते हुए कमर से दाईं ओर मोड़ें और हलचल करें। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को हृदय के पास लाएं। हाथों के बीच दोबारा दूरी बढ़ाएं। ऊपरी हाथ कंधे तक और निचला हाथ कमर तक नीचे ले जाएं। व्यायाम को पूरा करना। पृथ्वी की स्थिति से शुरुआत करें, हथेलियों को नीचे रखें और सांस लेते समय अपने हाथों को कंधे तक उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को छोड़ें और वू क्विक स्थिति में ले आए। शीएत्सु, हाथ के अंगूठे और हथेली के दबाव की मदद से ऊर्जा पर काम करने का यह तरीका 19वीं सदी की शुरुआत में जापान में बनाया गया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से गठिया के लोगों के इलाज के लिए किया जाता है। शरीर को तनाव देते हुए श्वसन क्रिया के माध्यम से अपने शरीर के सभी अंगों को संतुलन बनाए रखना है। व्यायाम का कोई भी प्रकार एक जैसा ही करना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। इसके पीछे के उद्देश्य को समझकर शरीर को सही तरीके से हलचल करना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके पीछे उद्देश्य शरीर को तनाव देना और ढीला छोड़ना है, जो सफल होना चाहिए। ताओ युन का मतलब कोई भी एक हलचल नहीं है। शरीर को दिया गया तनाव गर्दन का उठना, चलना, सोना, खड़े होना या एक जगह रुकना, ये सब ताओ युन ही है। अच्छी तरह से सांस लें और लंबे समय तक जीवित रहें। मन और शरीर को विकसित करने के लिए कई स्थानों से एकत्रित की गई जानकारी का एक संग्रह है जीजुन शिशु। यह पुस्तक 13वीं शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध रही है। इस प्रक्रिया का आविष्कार 6ठी शताब्दी के चीनी चिकित्सक और लेखक संत सिमियो ने किया था। इसमें ध्वनियों और आंदोलनों के माध्यम से आपके हृदय को शांत करने के लिए 6 अलग-अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। 6 आवाज। सु, श जैसी उच्चारित होने वाली यह ध्वनि यकृत के लिए उपयोगी होती है। ही, हर जैसी उच्चारित होने वाली यह ध्वनि हृदय से संबंधित है। सी, सर जैसे उच्चारित होने वाली यह ध्वनि फेफड़ों से संबंधित है। चुई, ची की तरह सुनाई देने वाली यह ध्वनि यकृत से संबंधित है। हू, हू की तरह सुनाई देने वाली यह ध्वनि प्लीहा से संबंधित है। सी, शी की तरह सुनाई देने वाली यह ध्वनि पूरे शरीर से संबंधित है। संत सिमियो ने एक कविता के माध्यम से इस बात का वर्णन किया है कि विभिन्न मौसमों में इन ध्वनियों के माध्यम से एक अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है। यह कविता आपको यह भी बताती है कि जब आप ध्वनि निकालते हैं तो आपको किस संघ के बारे में सोचना चाहिए। वसंत में सु कहकर अपनी आंखें छलछलाएं तो वुड आपके लीवर को ठीक कर देगा। गर्मियों में ही का लाभ उठाएं तो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। बारिश के मौसम में सी का इस्तेमाल करें तो यह फेफड़ों की मदद करेगा। चुई की मदद से यकृत को दे साथ तो आपके अंदर का पानी होगा इसमें शांत। सी की मदद से दे गर्मी को मात और सभी मौसमों में एक लंबी सांस लें जो है पाचन के लिए खास। सांस छोड़ना इतना धीमा है कि आपके कानों को आवाज सुनाई नहीं देगी।
और यह सब प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए शराब का तंत्र, यही है सुखी और स्वस्थ जीवन का मंत्र। इस अध्याय में वर्णित सभी संस्कृतियों को समझना शायद आसान नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक धागे की तलाश करते हैं तो आप पाएंगे कि हर किसी ने सांस और गति का समन्वय किया है। जब हम अपनी सांस और शरीर का समन्वय करते हैं तो हम अतीत और भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप श्वास लेते वक्त और छोड़ते वक्त जागृत रहेंगे।